नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है जय भीम, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक मूवी है। और ये मूवी एक एनिमेटेड मूवी है, तो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बच्चे भी देख सकते हैं और इस मूवी को देखकर बच्चे भी बहुत ही अच्छी बातें सीख सकते हैं और बाबा साहब के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी लाइव मूवी बनी है जिसमें जीते जागते कैरेक्टर्स ने उसमें अपना अभिनय किया और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी। इससे पहले बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी जो कि एक एनिमेटेड मूवी बनी है। और सबसे अच्छी बात इस मूवी के बारे में यही है कि इसे बच्चे देख सकते हैं। और इस मूवी के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी खबरें पहले से आ रही थी और इस मूवी के बहुत सारे बहुजन मीडिया चैनल्स ने इसको प्रमोट भी किया है और इससे पहले ट्रेलर और टीजर सब कुछ आ चुका था और जो कि बहुत ही अच्छा लॉन्च हुआ था और धमाल मचा चुका था। सबसे पहले इस मूवी का आप ट्रेलर देखिए और उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। जी हां, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। अछूत काही दूषित कर दिया अछूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? वो क्या, रियासत का सेना सचिव हूँ, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है यह विजय स्मारक। उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन यंग, निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। सीटों और नौकरियों में रिजर्वेशन। वैसे रहो जैसे स्वर्ण जाति की स्त्रियां रहती हैं। तुम छूतों का जीवन कैसे सुधार दोगे है? भगत सिंह और उनके साथियों की जान दे। हम ऐसा संविधान प्रवान नहीं करेंगे जो भारत के लोगों की मर्जी से नहीं बनेगा। गांधी जी, आपने मुझे बुलाया है। ज्यादती आप कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां पढ़कर मेरी जय जयकार करेंगी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। चला गया जिगर का टुकड़ा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। डॉक्टर शारदा, मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। बिल जिसको मैंने बदल भी दिया था, उसकी भी हत्या कर दी गई। आपको तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक समाज की रचना बदल नहीं जाती। गलत आस्था ने ही आज तक दलितों की शक्ति को पानी में बहाया है। भगवान बुद्ध के घर लौटने का समय आ गया है। अगर मेरे मन में नफरत और बदले की भावना आ जाती तो शायद मैं तबाही मचाने की दिशा में चला जाता। देखा और इस मूवी का ट्रेलर देख करके आपने बहुत सारी चीजें ऐसी नॉर्मल आपने इस ट्रेलर में ही देख लिया होगा कि ट्रेलर ही इतना अगर धमाल मचा रहा है तो ये मूवी कितनी ज्यादा धमाल मचाएगी। इस मूवी को प्रीतम एंटरटेनमेंट ने बनाया है, तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप प्ले स्टोर से प्रीतम एंटरटेनमेंट का ऐप इंस्टॉल करके इस मूवी को देख सकते हैं। इसके लिए बस एक बहुत ही छोटा सा चार्ज है 99 रुपीज़, जिसका आपको 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद में आपको ये मूवी आपको उस ऐप पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो आपको www.pritamentertainment.in पर जा करके आप 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप डायरेक्ट जा करके देख सकते हैं। इस मूवी में सबसे अच्छी बातें ये हैं कि कुछ ऐसे पहलू जो इससे पहले आगे जो मूवीज़ बन चुकी हैं उनमें शायद नहीं दिखाए गए हैं, जो कि मैंने देखी हैं। जैसे कि इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि बाबा साहब जब अमृतसर जाते हैं और सिख धर्म अपनाने की जब बात चल रही होती है, जब बाबा साहब बहुत सारी धर्मों का जब अध्ययन कर रहे होते हैं,
तब बाबा साहब देखते हैं कि मतलब किस धर्म को बाबा साहब को अपनाना चाहिए। तब एक धर्म सिख धर्म भी आता है जिसको बाबा साहब सोचते हैं कि ये अपनाने की बात चल रही होती है। तो बाबा साहब वहाँ पर ये बोलते हैं कि मैं सिख धर्म को भी अध्ययन कर रहा हूँ, सिख धर्म अपनाने की बात चल रही थी उसको भी इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ भगत सिंह बाबा साहब के बारे में क्या विचार रखते थे वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। और गांधी जी और बाबा साहब के बारे में बीच में जो डिबेट्स हुई थी वो सारी चीज़ें भी दिखाई गई हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मूवी में दिखाई गई हैं। और इस मूवी में रजा मुराद साहब ने कमेंट्री की है और उनकी आज के तो हर एक दुनिया कायल है कि वो इतनी अच्छी और इतनी भारी भरकम आवाज़ है। लगभग हर बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन चुकी हैं जिनमें रजा मुराद साहब ने अपनी आवाज़ दे रखी है और इस मूवी में भी उन्होंने कमेंट्री में आवाज़ दी है। और इस मूवी के बारे में क्या ही बात करना, उनकी आवाज़ के बारे में क्या ही बात करना। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो करेक्टर्स प्ले किए हैं इन लोगों ने भी अलग अलग करेक्टर्स को आवाज़ दी है, उन लोगों ने भी बहुत सारी अच्छी आवाज़ें दी हैं। बस इसमें एक बात ये है कि उन जिन लोगों ने करेक्टर्स में आवाज़ दी है उनका करेक्टर और उसमें सिर्फ नाम लिख के आ रहा है लेकिन ये नहीं दिखाया गया है कि किस करेक्टर को कौन से व्यक्ति ने आवाज़ दिया। अगर वो भी चीज़ दिखा देते इस मूवी में लास्ट में तो हम उनको शुक्रिया अदा कर पाते, ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, जिन लोगों ने भी करेक्टर को आवाज़ दी है बहुत ही अच्छी आवाज़ दी है उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस मूवी को बनाने में इतनी लोगों ने मेहनत की है। और इस मूवी को बनाने में लगभग 6 से 7 करोड़ का बजट लगा है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले से बनाई जा रही थी लेकिन बीच में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में फिर सेकंड फेज भी आ गया उसका भी लॉकडाउन, इस चक्कर में ये मूवी काफ़ी लेट हो गई, वरना ये मूवी काफ़ी पहले लॉन्च हो चुकी होती। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी लेट में लॉन्च हुई लेकिन ये मूवी आगे चल के धमाल मचाएगी। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए क्योंकि ये एक मूवी बहुत ही ऐतिहासिक मूवी बन सकती है क्योंकि ये एक ऐसी घटनाओं पर आधारित है। इसमें बाबा साहब के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई उन सभी घटनाओं को एक मूवी में संजो कर दिखा दिया गया है और इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। आप सभी लोग इस मूवी को जरूर जाके देखिए, 99 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, आप खाने पीने में भी उड़ा देते हैं, तो इस मूवी को जरूर जाके देखिए। मैं यही सबसे कहना चाहूँगा, जितनी मेहनत लोगों ने इस मूवी को बनाने में की है उतनी मेहनत आप अगर देखने में कर देते हैं तो ये मूवी हिट हो सकती है। वैसे ये मूवी हिट भी है, ये आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, किसी थिएटर में नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे जिनकी वजह से जो है ये मूवी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन जरूर देखने को मिले, थिएटर्स में अभी नहीं अवेलेबल है, हो सकता है आने वाले समय में ये थिएटर्स में आ जाए, लेकिन अभी ये मूवी आप ऑनलाइन देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। प्रीतम एंटरटेनमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई है। तो दोस्तों आप लोगों ने ट्रेलर भी देखा होगा और अगर आपने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर अगर आपको पसंद आया है तो आगे चल के आप इस मूवी को जरूर देखिए और अपना प्यार जरूर दिखाइए। तो बस ये छोटी सी वीडियो मैंने सोचा था कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाऊं और एक अपील कर पाऊं लोगों से, इसी वजह से अगर 4 लोग भी अगर जाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारा भी एक छोटा सा चैनल है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी वीडियो है और आपने क्या विचार किया है इस मूवी को देखने का। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, जय भीम।